मैं रामेश पाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं विद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। क्या थी? वैद्युत विभव या विद्युत विभव कुछ भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको लिखते हैं वैद्युत विभव। क्या लिखते हैं? वैद्युत विभव। ये वैद्युत विभव क्या है ये मुझे बताना है आपको। वैद्युत विभव होता क्या है इसके विषय में बताएंगे। वैद्युत विभव की परिभाषा हो सकती है कि वैद्युत क्षेत्र में, कहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लिख लेते हैं वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश से, किसी परीक्षण परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश, उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, निष्पत्ति को उस बिंदु का विद्युत वैद्युत वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। किसी परीक्षण विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत विभव, किसी बिंदु पर अगर विद्युत विभव पता करना है तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। कि आप देख सकते हैं विभव से एक साधारण से आप समझ सकते हैं कि क्या है। बिल्कुल सिंपल सा, आपके पास अगर एक पानी की टैंक है, ठीक है, और टैंक फुल भरी हुई है पानी से, इसे भरी हुई है पानी से भरी हुई है, ठीक है, और एक दूसरी टैंक भी है यहाँ जो जुड़ी हुई है नीचे से और ये नहीं भरी हुई है। तो अगर इनको किसी टैप द्वारा बंद कर दिया गया है, किसके द्वारा? टैप द्वारा बंद कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर टैप खोला जाए तो किसकी तरफ का जल किसकी तरफ आएगा? इधर का जल इधर है। कहने मतलब इसका विभव अधिक है। क्या अधिक है? विभव इसका अधिक है। इसको इसको यहाँ से जल को ले जाने में यहाँ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल कहाँ से आएगा? कार के लिए जो बल आएगा, बल कहाँ से आएगा? गुरुत्वीय बल के कारण आएगा। इस तरह से इधर का बल अधिक है। एक चीज और देख रहे हैं, इसी तरह यदि किसी किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी तरफ का आवेश अधिक होता है और दूसरी तरफ का आवेश कम होता है तो एक तरफ से दूसरी तरफ को हम विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। तो जिस तरफ का आवेश अधिक होता है, मतलब प्लस आवेश है और ऋण आवेश की है, तो जिस तरफ का आवेश अधिक होता है कम अधिक आवेश से कम आवेश की तरफ धारा बहने लगती है। कहने का अर्थ यह कहा जाता है कि इस तरफ का विभव अधिक था, ठीक है। नहीं, दूसरा एक शब्द आता है विभवांतर। अच्छा, विद्युत इसका मात्रा देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? ऐसा आवेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है कि नहीं।
अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक आवेश है क्यू प्लस, इसके कारण बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु है बी है, यहाँ पर इच्छा आवेश क्या है क्यू जीरो रखा है, कहाँ अनंत से लाना है इसको, कहाँ से अनंत भी है, इधर से अनंत, ये कहाँ जा रहा है अनंत से आ रहा है, ठीक है, अनंत से इसको लाया किधर जा रहा है, यहाँ पर लाया जा रहा है बिंदु ए पर। तो परीक्षण आवेश को लाने में भाई बल लगेगा, और जो बल लगेगा उसके द्वारा कार्य करना पड़ेगा, कार्य जो करना पड़ेगा वही कार्य और इस परीक्षण आवेश की जो निष्पत्ति है उसको क्या कहते हैं, विद्युत विभव, कहने मतलब विभव बराबर होता है, विद्युत विभव, विद्युत विभव इक्वल होता है आपका, विद्युत विभव बराबर होता है, इसको V से प्रदर्शित किया जाता है, इक्वल होता है W अपॉन क्यू जीरो। W क्या है, कार्य है जो अनंत से किसी आवेश को लाया गया परीक्षण आवेश को, और क्यू क्या है, वो परीक्षण आवेश है, वो बिंदु ए पर जो बताया था उस बिंदु पर उसका विभव। और एक चीज ध्यान दें, इसका मात्रक है, विभव का मात्रक क्या है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, ये बराबर होता है जूल प्रति कूलम्ब, क्या होगा जूल प्रति कूलम्ब, इसका मात्रक होगा किसका, वैद्युत विभव का। अच्छा अब एक इसका अगर हम देखें कि इसका एमकेएस पद्धति में जो विद्युत विभव का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब और एम्पियर प्रति एम्पियर होता है, इसका वो देख लें बीमा क्या होगी, क्या बीमा, बीमा देख लें, बीमा के निकालने के लिए क्या करते हैं जूल, जूल किसका मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ना, क्या है जूल का मात्रक क्या होगा, जूल की बीमा क्या होती है, जूल की होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्या होती है एल माइनस वन टी माइनस टू, और कूलाम की बीमा क्या होती है, कूलाम बराबर क्या होता है विद्युत क्षेत्र में, आप जानते हैं कि धारा बराबर आवेश क्या कहते हैं विद्युत धारा बराबर होती है कूलाम प्रति सेकंड, क्या होती है आवेश बटा समय ना, ये होता है आवेश बटा समय, ध्यान दें आवेश का मात्रक और समय का मात्रक, आवेश का मात्रक हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा धारा और समय, क्या हो जाएगा ए इंटू टी, ठीक है, तो हो जाएगा ए का मात्रक होगा ए माइनस वन और टी माइनस वन, ये जुड़ के कितना हो जाएगा, इससे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा क्या कहते हैं एम एल जूल प्रति कूलम्ब, इसकी बीमा होगी एम एल स्क्वायर, क्या होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, क्या होती है टी माइनस थ्री और ए माइनस वन होती, क्या होती है ए माइनस वन, किसकी बीमा होती है, ये होती है बीमा आपकी विद्युत विभव की। इसके बाद आपको बताएंगे वैद्युत विभवांतर, क्या बताना है आपको वैद्युत विभवांतर क्या है, वैद्युत विभवांतर और विभव का अंतर को हम कहते हैं विभवांतर, एक बिंदु का नहीं दो बिंदुओं का विभव का अंतर जो होता है उसे हम क्या कहेंगे वैद्युत विभवांतर। तो यहां लिखे देखते हैं वैद्युत विभवांतर क्या है, माना कि वैद्युत विभवांतर क्या है, एक परीक्षण आवेश क्यू है माना प्लस क्यू, एक आवेश है क्या है
एक आवेश है, प्लस क्यू क्या है, एक आवेश है जिसे जिसके कारण उसके चारों विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए कि एक परीक्षण आवेश क्यू है और उसके चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा परीक्षण आवेश क्यू के कारण, तो वहां पर हमको क्या करना है कि उस विद्युत क्षेत्र में हम एक परीक्षण आवेश को, जिस पर कि मान लीजिए विद्युत बल लग रहा है, मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र में इसमें एक परीक्षण आवेश पर परीक्षण आवेश पर बल एफ के बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, क्यू क्या आवेश है और ई क्या है विद्युत परीक्षण आवेश, क्यू जीरो, इस पर क्या बल लगेगा, क्यू ई, ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिस पर मान लीजिए कि कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, बल एफ लग रहा है, ठीक है, ये बराबर क्यू ई होगा, क्या होगा, क्यू ई लग रहा है। और इसमें एक दो बिंदु हैं, मान लीजिए तो ये आपका है, ये मान लीजिए यहाँ पर आपका प्लस क्यू आवेश रखा है, जिसके कारण क्या लग रहा है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पर एक क्यू आवेश रखा गया है, इस पर बल लग रहा है एफ, इस पर कौन सा बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है, कौन सा बल है, यह बराबर क्या है, क्यू ई, ठीक है, क्यू जीरो, इस पर क्यू जीरो ई है, इस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और एक बिंदु इस विद्युत क्षेत्र में ए और बी है, क्या है, ए है और बी, हमें इन दो बिंदुओं पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र विभवांतर ज्ञात, इस पर विभव कितना है, इस पर विभव जितना है, उन दोनों का अंतर कितना है, क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। तो विभवांतर क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन दो बिंदुओं पर विभवांतर कहा जाता है। मान लीजिए कि माना ए बिंदु पर विभवांतर, ए बिंदु पर माना ए बिंदु पर विभवांतर, अगर ए बिंदु पर विभवांतर आपका बी ए तथा बी बिंदु पर विभवांतर, बिंदु पर विभवांतर बी है, तो इनका जो विभवांतर निकल, अगर इनका सॉरी इनका विभव है ना, क्या इसका विभव है, और इसका विभव यहाँ पर विभव कितना है, बी बी है, यहाँ पर बी ए है और बी बिंदु पर कितना है, बी बी है, तो इनका वैद्युत विभवांतर क्या होगा, वैद्युत विभवांतर होगा इसका आपका बी ए माइनस बी बी, बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा, बी ए माइनस बी बी, और अगर बी से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो डब्ल्यू है, तो बी ए अपॉन ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। क्योंकि कार्य और एक चीज ध्यान दें इसमें, कार्य और क्या नाम है आवेश, दोनों के दोनों अदिश राशियां हैं, इसलिए विभवांतर भी क्या होगा, एक अदिश राशि होगा। यदि इन दोनों के किसी परीक्षण आवेश को लाने में यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक लाने में केवल एक वोल्ट का कार्य किया जाता है, मतलब एक जूल का कार्य किया जाता है, तो इनके बीच का विभवांतर क्या होगा, एक। यदि W बराबर एक जूल, कितना, तो एक जूल हो, आवेश एक कूलाम हो, तो परीक्षण आवेश कितना होगा, एक होगा। तो एक वोल्ट, एक वोल्ट इक्वल कितना हो जाएगा, वन जूल प्रति कूलम। और आपको बता दूं कि विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक एक ही है, जिसे हम वोल्ट कहते हैं, और ये एक महान वैज्ञानिक वोल्ट के नाम से इनके मात्रक का नाम, इस मात्रक का नाम वोल्ट रखा गया, इसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। आज के दिन इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसे लगा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।